हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पाक आईकेयर वर्सेस बदौलाना साइन क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाले सिक्स मैच के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्लेइंग इलेवन, कैप्टन और वाइस कैप्टन, की प्लेयर और उसके साथ प्लेयर्स की स्टैट्स हो गया और ड्रीम इलेवन टूम और पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट और टीम न्यूज़, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, आप अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं डिटेल्स दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैच देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, छठा मैच है ईसीएस टी10 बार्सिलोना का और यहाँ पर पाक वर्सेस बीएसएच के बीच में होने वाले हैं। और ये मैच देखा जाए तो यहाँ पर मोंटजुइक ओलंपिक ग्राउंड है बार्सिलोना में खेला जाएंगे और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 3 बजे होने वाला है। यहाँ पर पिच और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो पिच बैलेंसड होने वाला है, पिच ज़्यादातर फेसेस के लिए सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर एवरेज 100 से 110 रन तक बन सकता है। यहाँ पर पहला टीम जो बैटिंग करने टॉस जीतने वाले टीम पहला बैटिंग करने का निर्णय है और बैटिंग करने वाले टीम 80% जीत सकती है और वेदर रिपोर्ट क्लियर स्काई रहने वाला है। और यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा ये डिस्टर्बेंस जैसा हो गया आपको। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी क्लियर स्काई रहने वाला, टेम्परेचर 15.61 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर विनिंग चांसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएसएच की ज़्यादा विनिंग परसेंटेज है, 67% जीतने की संभावना। और यहाँ पर बीएसएच की बात करें तो 33 रहने वाली है। और यहाँ पर पाक का आईकेयर की टीम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैच खेली थी और एक मैच पाक आईकेयर ने मिन्हाज सीसी को 9 विकेट से हराया। यहाँ पर मिन्हाज ने यहाँ पर 46 रन बनाए थे, 9 विकेट, और यहाँ पाक ने पीएके ने यहाँ पर 1 विकेट खो के 50 रन चेज कर दिया। और यहाँ मैन ऑफ द मैच इस मैच का बने थे मोहम्मद कमरान और यहाँ पर देख सकते हैं एक मैच खेले थे इस टीम ने और एक मैच जीत लिया। यहाँ पर पाक आईकेयर के प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यहाँ पर सिकंदर अली ओपनिंग पे आए हैं, विकेट कीपर भी हैं, 14 रन बनाए थे। यहाँ पर सैयद सफ़त अली की बात करें तो 25 रन नॉट आउट रह गए थे। यहाँ पर मोहम्मद बाबर की बात करें तो कैप्टन है और यहाँ पर 9 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे और 1 विकेट लिए थे ऑन डाउन पे आके। यहाँ पर मोहम्मद कमरान की बात करें तो यहाँ पर लास्ट मैच में इनको 2 विकेट मिला, फेस बॉलर है। और यहाँ पर सिराज अहमद की बात करें तो 12 मैच में इनकी स्टार्ट चाहिए, 12 मैच में 135 रन, 12 विकेट, फेस बॉलर है। लास्ट मैच में इनको 1 विकेट मिला। और हसन गुंडाल की बात करें तो यहाँ पर लास्ट मैच में 2 विकेट मिला। यहाँ पर अदिल सफाकत की बात करें तो गेंदबाजी तो की लेकिन इनको 1 भी विकेट नहीं मिला। और अतिक मोहम्मद की बात करें तो इनको लास्ट मैच में 3 विकेट मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद ईशान की बात करें तो यहाँ पर इनको बैटिंग में मौका नहीं मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत लंबे लिस्ट हो गया, इस बार इनको बैटिंग मौका नहीं मिला। फैजल राजा को भी बैटिंग मौका नहीं मिला। फ्रेंड, यहाँ पर बेंच प्लेयर्स तो बहुत काफ़ी लिस्ट बड़ी है, यहाँ पर मोहम्मद जफरी, आदिल महबूब, आतिफ मोहम्मद और यहाँ पर बिलाल हसन और फैजल शाह है और यहाँ पर उमेर अहमद है, यहाँ पर बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर वही बदौलाना साइन क्रिकेट क्लब की टीम की बात करें तो 2 मैच खेले और दोनों मैच हार गई हैं और पहला मैच हार गई थी अफजेडल से, अफजेडल ने 90 रन बनाए और यहाँ पर बीएसएच ने 86 रन बना के 5 विकेट खो के चेजिंग 4 रन से हार गए अफजेडल के हाथ में। और इस मैच के हीरो बने थे कुलदीप लाल, बीएसएच के टीम से है और यहाँ पर कुलदीप लाल मैन ऑफ द मैच बने थे। यहाँ पर दूसरी मैच की बात करें तो सीटीएल ने 150 रन बनाए थे 10 ओवर में 5 विकेट खो के और बीएसएच ने 123 रन पर 123 रन बना के 9 विकेट खो के 10 ओवर खत्म हो गए। लेकिन इस मैच के हीरो की बात करें तो यहाँ पर यसिर अली है, सीटीएल ने बीएसएच को 27 रन से हराया। यहाँ पर बदौलाना साइन क्रिकेट क्लब की बात करें तो यहाँ पर बाबर खान विकेट कीपर हैं और यहाँ पर पहला मैच में 14 रन और दूसरा मैच में 28 रन बनाए। और हमजा सलीम की बात करें तो कैप्टन है इस टीम की, पहला मैच में 1 विकेट, दूसरा मैच में 1 विकेट, लेकिन दूसरा मैच में 36 रन बनाए। कुलदीप लाल की बात करें तो पहला मैच का हीरो थे, मैन ऑफ द मैच बने थे और दूसरा मैच में 18 रन बनाए लेकिन दोनों मैच में 1-1 विकेट लिए। और सजवल खान की बात करें तो फ्लॉप रहे, दोनों मैच में 3 रन और पातमन 5 रन। दिलवर खान की बात करें तो सेकंड मैच में मौका मिला, 0 रन बना के आउट हो गए। बिलावल खान की बात करें तो इनको भी सेकंड मैच मौका मिला तो यहाँ पर 10 रन बना के तुरंत आउट हो गए। मलिक मदी और रहमान की बात करें तो यहाँ पर दोनों मैच में तो इनकी अच्छी खास परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर इनकी स्टार्ट्स देखा जाए तो लाजवाब है लेकिन बैटिंग बॉलिंग में इतना नहीं अभी है, 1 विकेट लिए दोनों मैच में, 2 ही रन बना के आउट हो गए। सफीर मोहम्मद की बात करें तो यहाँ पर 2 मैच में ना कोई विकेट है ना कोई रन है। यहाँ पर बादर इकबाल की बात करें तो पहला मैच तो इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला, दूसरा मैच में बैटिंग मौका मिला तो 4 रन नॉट आउट रह गए। और उमेर जावेद की बात करें तो यहाँ पर 3 मैच में 11 रन 2 विकेट है लेकिन इनके स्टार्ट्स देखा जाए तो यह है और 2 मैच में 2 विकेट ने 1-1 करके और 2 रन बनाए। और मलिक शमी और रहमान की बात करें तो पहला मैच में इनको बैटिंग बॉलिंग कुछ मौका नहीं मिला लेकिन दूसरा मैच में 3 रन नॉट आउट रहे। लेकिन अभी तक
इनको यहाँ पर बॉलिंग दिया नहीं जा रहा है क्योंकि विकेट 15 मैच से 23 विकेट है, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की बात करें तो बड़ी लिस्ट है। पहला मैच में इनको मौका मिला लेकिन दूसरा मैच में मौका नहीं मिला। आदिल हसन को भी पहला मैच में मौका मिला लेकिन 0 रन पर आउट हो गया। आदिल अब्बास की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इनके स्टार्स मुस्तफ़ा सलीम, अतीक मलिक और रहमान है फ्रेंड्स यहाँ पर। और दोनों टीम की प्लेयर्स की बात करें तो इस प्रकार रहने वाला है, सिकंदर अली है, पाकाई करके उमर अहमद, मोहम्मद कमरान, अतीक मोहम्मद और हुसैन गोंडाल है और हसन गंडाल। और यहाँ पर बदरुल्ला शाही क्रिकेट क्लब की बात करें की प्लेयर्स यहाँ पर कुलदीप लाल, बिलावल खान, हमजा अली, उमर जावेद और हमजा सलीम है फ्रेंड्स यहाँ पर। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिस्ट में है कुलदीप लाल, हमजा सलीम, मोहम्मद कमरान, अतीक मोहम्मद है। और ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पर मोहम्मद बाबर और बिलावल खान को बना सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर। आपको यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम की बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कशन में दो टीम रखे हैं और ड्रीम इलेवन टीम आपको मैं देने वाला हूँ। चलिए आगे दो टीम देखते हैं। यहाँ पर विकेट कीपर में कुलदीप लाल है और यहाँ पर अच्छे इंपॉर्टेंट है एफ राजा, बैट्समैन में बी खान, एस खान है। और वहीं यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करते हैं, यहाँ पर एम बाबर, एस अहमद और मोहम्मद कमरान और हिज सलीम है, हमजा सलीम। और गेंदबाजी की बात करते हैं, अदीब मोहम्मद, एस अली साहिद और एम यू आर रहमान है फ्रेंड्स यहाँ पर। यहाँ पर सेम है वही है, यहाँ पर विकेट कीपर में सेम है, बैट्समैन भी तीनों सेम है। यहाँ पर ऑलराउंडर में हमजा सलीम, मोहम्मद कमरान, मोहम्मद बाबर और सिराज अहमद है। यहाँ पर गेंदबाजी में अतीब मोहम्मद, उमर जावेद, सफत अली, शाहिद वाइस कैप्टन इनको यहाँ बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स आपको मैं ड्रीम इलेवन में डिस्कस करके आपको मैं बताता हूँ कोई किसको लेना किसको नहीं लेना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो विकेट कीपर लिस्ट में बहुत बड़ी लिस्ट है, एहसान, कुलदीप लाल, एस अली और यहाँ पर बी खान, ए महबूब और यहाँ पर डी खान है। लेकिन यहाँ पर दो विकेट कीपर आपको इंपॉर्टेंट बनने वाला है, यहाँ पर एक है बाबर खान और यहाँ पर एक है कुलदीप लाल। कुलदीप लाल एक मैच में ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुलदीप लाल पे जाएंगे। लेकिन बाबर खान भी पहला मैच में 71 पॉइंट लाए थे ड्रीम इलेवन में एक मैच खेल के, तो यहाँ पर मैं बाबर खान पर जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चलिए फ्रेंड नहीं तो देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो अपने दो मैच खेले, सॉरी मैं एक ही मैच बोला, तो पहला मैच में 20 पॉइंट्स लाए और दूसरा मैच में 51 पॉइंट लाए। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का, सो यहाँ पर मैं बी खान पे जा रहा हूँ, कुलदीप लाल पे सब लोग जा रहा है, पहला मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे। और यहाँ पर बैट्समैन की लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत लंबी है यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर तीन बैट्समैन को लेने वाला हूँ, बिलावल खान को। और यहाँ पर बिलावल खान की बात करें तो यहाँ पर BSH है, दो मैच खेले हैं, यहाँ पर 17 ही पॉइंट लाए हैं, तो यहाँ पर मुझे तीन बैट्समैन को पिक करना। तो यहाँ पर पहला मैच में तो इनको बैटिंग मौका नहीं मिला, दूसरा मैच में 17 पॉइंट लाए, लेकिन रेटिंग्स देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सजवल खान की बात करें तो एस खान की, यहाँ पर देख सकते हैं इनके परसेंटेज है BSH में, यहाँ पर देख सकते हैं इनके पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो पहला मैच में 1 पॉइंट है, दूसरा मैच में 10 पॉइंट ही लाए, लेकिन इन पर कम पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। और यहाँ पर एक और प्लेयर है, यहाँ पर आपको एफ राजा, फैजल राजा भी पहला मैच में तो नहीं चले थे, उसके बाद यहाँ की बात करें तो पहला मैच में 4 पॉइंट्स पे मैं ऑलरेडी बताया आपको 4 ही पॉइंट्स, लेकिन इनको पे इनके इन पर भी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत काफ़ी प्लेयर्स हैं यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मोहम्मद सलीम पर आप जा सकते हो, यहाँ पर इनको तो मौका नहीं मिला दोनों मैच में, लेकिन अगर वो खेलते तो अब यहाँ पर जा सकते हो। आदिल अब्बास बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन उनको मौका मिला दोनों मैच में, दोनों ही नहीं खेला। अगर फ्रेंड्स ये खेलते हैं तो आप इन पर जरूर पिक करके जाना। आप यहाँ पर उमर अहमद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो इनको भी अभी तक मौका नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए आदिल अब्बास में ऑलरेडी आपको बताएं, यसिन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये लोग खेलते तो अच्छा रहता है। यहाँ पर जब ऑलराउंडर की लिस्ट आती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बड़ी लिस्ट बनाया, मैंने यहाँ पर लगभग 4 ऑलराउंडर है फ्रेंड्स यहाँ पर। एस अहमद की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैच खेले हैं और 35 पॉइंट्स लाए हैं ड्रीम इलेवन की, तो यहाँ पर मैं इन पर जा रहा हूँ। और हमजा सलीम की बात करें तो इनकी भी लाजवाब रही थे, 116 पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला मैच है 76 और दूसरा मैच में 40 पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं हमजा सलीम पर जा रहा हूँ। और यफ साहब पर मैं अवॉइड कर रहा हूँ इनको, यार एम बाबर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यहाँ पर मैं इनको मैं पिक कर रहा हूँ, 46 पॉइंट है, एक मैच खेले थे। और यहाँ पर आपको मोहम्मद कमरान की बात करें तो एक मैच में ऑलरेडी मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, तो यहाँ पर मैं हम कमरान को पिक कर रहा हूँ, एक मैच खेले 76 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स लाए। और यहाँ पर गेंदबाजी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा आपको सोच समझ के टीम बनाना है। यहाँ पर ए मोहम्मद की बात करें तो यहाँ पर 101 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एम समी और रहमान की बात करें तो इनको इनको बॉलिंग नहीं दिया जा रहा है, ये अच्छे गेंदबाजी में ऑलरेडी बताया 15 मैच में इनको 23 विकेट है, लेकिन गेंदबाजी नहीं दिया जा रहा है, दो मैच से गेंदबाजी नहीं की, इसलिए मैं इनको अवॉइड कर रहा, नहीं तो इनको मैं जरूर पिक करता। यहाँ पर एस एच गोंडल की बात करें तो पहला मैच में इनको 2 विकेट मिला, तो यहाँ पर आप इन पे जा सकते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ इस इन पे भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर उमर जावेद की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मैच में 64 पॉइंट है, और हिज गोंडल की बात करें तो यहाँ पर 1 मैच में, तो यहाँ पर उमर जावेद के बदले हिज गोंडल को मैंने लिया है। यहाँ पर सफ़ेद अली साहिद की बात करें तो यहाँ पर 1 मैच खेले हैं और यहाँ पर 37 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है, तो यहाँ पर मैं एस अली साहिद पे जा रहा हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक और प्लेयर को पिक करने वाला हूँ, ये पूरी 11 प्लेयर्स बन चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर फ्रेंड्स, आप नहीं तो यहाँ पर आप एक चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ पर उमर जावेद पे जा सकते हैं, यहाँ पर एक प्लेयर को आप हटा के, क्योंकि यहाँ पर
पाक से आप तीनों पाक प्लेयर को ले लिया। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर उमेश जावेद को ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर ये है टीम पूरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप 11 टीम हो गए। और यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की लिस्ट में यहाँ पर जो अगर मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर बी खान अगर चलते हैं तो अच्छा, नहीं तो बी खान को आप हटा के यहाँ पर के लाल को ले सकते हैं, यहाँ पर कुलदीप लाल को, तो यहाँ पर उन पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर हमजा सलीम भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो आप यहाँ पर ज़्यादातर जो बाबर पे जा सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन लिस्ट में, कमरान पे जा सकते हो, नहीं तो सलीम पे जा सकते हो, ये आपका मर्जी पर डिपेंड है। यहाँ पर ना तो ये मोहम्मद पर जा सकते हैं, 11.26 वाइस कैप्टन परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्की टीम बनाना है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एम बाबर पर जाइएगा और हिज इस सलीम पर जा सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए टीम प्रीव्यू एक बार देखते हैं, और टीम प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक विकेट कीपर को लिए फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पर कुछ चेंजिंग करना तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर को आप घटा के एस अहमद को घटा के यहाँ पर आप कुलदीप लाल को ले लीजिए, तो आपको इससे वो अगर बैटिंग भी अच्छे ओपनिंग पर आते तो आपको अच्छे पॉइंट दिलाएंगे। तो मेरे हिसाब से एस अहमद को आप कैंसिल कीजिए, एस अहमद की 35 पॉइंट्स रही है लास्ट मैच में, इनको हटा के आप कुलदीप लाल को ले लीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा। दो बैट्समैन हो गए, दो विकेट कीपर, तीन बैट्समैन और तीन ऑलराउंडर, तीन गेंदबाज है, तो इससे आपको फायदा ही मिलने वाला है फ्रेंड्स। यही है पूरे डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फ्रेंड्स इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, इससे आपको मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मैंने तो पूरी डिटेल के साथ आपको स्टैट्स दिया, आपको ब्लाइंडली मेरे टीम को फॉलो मत कीजिएगा, मैं आपको स्टैट्स दिया और ड्रीम इलेवन पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन किया, आप उसके हिसाब से मुझसे आप बेहतर टीम बना सकते हो। आप किसी का टीम कॉपी मत कीजिए, इससे आप ईजिली ग्रैंड लीग और हेड टू हेड जो भी लेगा आप आराम से जीत सकते हो फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।